Hello everyone, welcome to our YouTube channel RN Study Success Point. तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RN Study Success Point पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है. दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम जो है आपको थोड़ा जो है CBSE का लेटेस्ट न्यूज बताएंगे आपको कि क्या है. जो 10th के बच्चे हैं, जो जिन्हें अब 11th में जाना था, उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है. ठीक है, अब जो बच्चे थे पहले जो ऐसा था कि जो लोग बेसिक मैथ लेके पढ़े थे बच्चों, उनके लिए मैथ का कोई ऑप्शन नहीं था लेने का. तो जो अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है आपको हम बात दिखाएंगे, जो एचआरडी मिनिस्ट्री से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है कि ऐसे बच्चे जो है जैसे मैथ ऑनर्स में आगे जाके इंग्लिश ऑनर्स या मैथ से ऑनर्स करना चाहते हैं तो उनके लिए जो है वो अप्लाइड मैथ ले सकते हैं. ठीक है बच्चों, तो ये जो है हम आपको पहले तो हम उनका ट्विटर का अकाउंट का जो ऑफिशियल है वो दिखाएंगे आपको क्या नोटिफिकेशन आया. ठीक है बच्चों, तभी हम दिखा रहे हैं. तो स्टूडेंट देखो, सबसे पहले जो है आपको हम ये दिखा रहे हैं एचआरडी मिनिस्टर का, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो देखो बच्चों क्या है. वो जो है स्टूडेंट्स है ये कि स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड बेसिक मैथमेटिक्स टू 41 इन क्लास 10th विल अलाउड टू टेक न्यू एकेडमी इलेक्टिव अप्लाइड मैथ 241 इन सीनियर सेकेंडरी लेवल. इनकी सिंपल इसमें ये साफ साफ लिखा हुआ कि जो भी बच्चे हैं जो बेसिक मैथ से पास किए थे, जैसे हमें 10th में आप लोग का पता होगा दो मैथ था, स्टैंडर्ड और बेसिक. ठीक है, तो जो बच्चे बेसिक से पढ़े वो आगे, और उनके लिए पहले ये ऐसा ऑप्शन था कि वो 12th में जो है नई मैथ लेके कर सकते आर्ट से, बट ऐसा नहीं है. अब ये आया नोटिफिकेशन कि वो जो बच्चे हैं वो पढ़ सकते हैं. ठीक है, वो आगे भी मैथ अप्लाइड मैथ लेके पढ़ना पड़ेगा, उनका अलग कोड होगा 241. ठीक है, सेकेंडरी लेवल के लिए पढ़ सकते हैं. तो ये जो है बहुत ही खुशखबरी है. अब जो बच्चे हैं जिन्हें अब अभी कर रहे हैं, अब उन्हें अब चाहते आगे आके ऑनर्स करना, जैसे आए मैथ लेके करना है तो अप्लाइड मैथ लेके पढ़ सकते हैं. ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही खुशखबरी है उनके लिए. ओके स्टूडेंट, और देखो ये है, द न्यू एडिशन इन द कैरिकुलम विल ऑल्सो बूस्ट दियर कम्पिटेटिव स्किल लाइक क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल रीजन, ये सब भी है, मैथिकल थिंकिंग, ये सब बढ़ा सकता है. तो ये जो हम आपको दिखा रहे हैं एचआरडी का ऑफिशियल जो है, उसके बाद जो दो ये जो है दो लेटर भी ये किया है पूरा, उसमें पूरा लिखा हुआ है जो आज ये निकाला क्या क्या इस तरह से. तो ये जो है हम आपको दिखा रहे हैं, सबसे पहले जो फर्स्ट पेज है इसका, ये जो है लेटर का, देखो ये लिखा गया साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, ये आज देख रहे होंगे आप, ये 1 अप्रैल 2020, ये यानी कि जो आज की ये जो है बिल्कुल अभी अभी है, 40 मिनट पहले, ये जो पहले तारीख का है. ठीक है, ये सेंट्रल ऑफ CBSE बोर्ड के दिया गया, ऑल हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन अफिलेटेड टू CBSE, सब्जेक्ट जो इंट्रोडक्शन अप्लाइड मैथ इन एकेडमी इलेक्टिव सेशन 2000. ठीक है, ये जो भी अब आने वाले सेशन में उसमें अप्लाइड मैथ की जाएगा. इसमें लिखा एज द पार्ट ऑफ सिस्टमेटिक रिफॉर्म, देखो ये हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग वहाँ से बिल्कुल इसके जाके पढ़ सकते हैं. आप लोग जो है एचआरडी का जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ पे भी आप लोग जाके दे सकते हैं. तो ये जो है बच्चों बहुत ही खुशखबरी है. अब जो बच्चों था जिन्हें अब लग रहा था कि आगे हम मैथ नहीं पढ़ सकते हैं, यानी कि अब जिसे मैथ से ऑनर्स वगैरह करना है तो बेसिक मैथ चूज करके भी आगे जाके वो पढ़ सकते हैं स्टैंडर्ड. ठीक है, अप्लाइड मैथ उन्हें पढ़ना पड़ेगा, देखो यहाँ साफ से लिखा हुआ. ठीक है बच्चों, जो उसका सब्जेक्ट कोड होगा ये देखो हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स कोड 2041 सेशन 11th से स्टार्ट होगा, ये पूरा डिटेल में देखो हमारा दिया हुआ है. ठीक है बच्चों, तो बहुत ही खुशखबरी है. तो ये बहुत ही लेटेस्ट न्यूज है, और इस तरह से, और ये जो है वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें ताकि इससे ज़्यादा बच्चों इसे जान सके और ये न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके. ओके स्टूडेंट, सो आई होप यू लाइक द वीडियो सो मच. इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल. और इसी तरह से आप लोग CBSE से रिलेटेड, 10th बोर्ड से रिलेटेड किसी भी तरह का अपडेट चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा बच्चे इसके साथ जुड़ सके और बेनिफिट ले सके. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू.